इस वीडियो में रियल्स नंबर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल। सिमिलरली इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 + √3 √2 इज इरेशनल, 5 / √3 इज इरेशनल, या 2 √3 इज इरेशनल, या 1 / √3 इज इरेशनल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का बनाने का एक ही प्रोसेस है। आप एक प्रोसेस जान जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चंस का क्या है, फर्स्ट नंबर, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे √2 √3 को प्रूव किए थे। सिमिलरली इसी तरह हम लोग लेट करते हैं, लेट 3 + √2 इज एन रेशनल, अरेशनल। ओके, 3 + √2 को रेशनल मानेंगे तो हम इसको रेशनल रूप में लिख सकते हैं, 3 + √2 इज इक्वल टू ए वाई बी। ठीक है, ए वाई बी, वेयर आपका ए एंड बी क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम प्रीवियस वीडियो में बता दिए कि क्या होता है, को प्राइम उसे कहते हैं जिसका एस सी एफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मीन्स ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा। चलिए अब हम इसको करना क्या है, जितना भी क्वेश्चन आप बनाएंगे इसमें करने का, जो भी रेशनल नंबर इधर साइड में रूट छोड़ के जितने भी नंबर है सारे नंबर को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू 3 इधर भेजेंगे तो ए बाई बी माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि ए बाई बी माइनस 3 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, सिंस ए बाई बी माइनस 3 इज ए रेशनल, ठीक है, नंबर, ठीक है, देन √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो √2 इज ए इरेशनल। तो ए √2 इरेशनल होता है ऐसी कंडीशन जो अराइज हुआ ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन के कारण। मीन्स लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट्स कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, हेंस बोलेंगे आप 3 + √2 इज नॉट रेशनल, मीन्स 3 + √2 इज ए इरेशनल। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मीन्स हमें प्रोसेस बना, सबसे पहले उसको हम इरेशनल को रेशनल मानेंगे, उसके बाद जितने भी रेशनल नंबर है रूट छोड़ के सारे नंबर को इस साइड में भेज देंगे तो एक साइड में आपका रेशनल होगा, दूसरे साइड में भी रेशनल कहेगा बट दूसरे साइड में इरेशनल होता है, जिसके कारण हमारा अजम्पशन गलत हो जाती है और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है सोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह मानेंगे, आपको इरेशनल मानेंगे, जैसे 5 + 3 √2 इजकल टू ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे तो 3 √2 इजकल टू ए बाई बी माइनस 5। ठीक है, उस तरह के फिर यहाँ √2 को छोड़ देंगे, यहाँ से 3 को फिर इधर भेजेंगे तो √2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 / 3 ए बाई बी माइनस 5। ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया, ये आपका रेशनल हो गया। तो और ये है आपका इरेशनल। ठीक है, तो इसके चलते इस सभी हम जो भी सारे स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट कुछ तरह सिमिलरली लिख देंगे और हेंस आपका प्रूफ हो जाएगा, हेंस 5 + 3 √2 क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं कि आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर आपका 5, तो इसमें भी हम मान लेंगे 1 / √2 इजकल टू ए बाई बी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको भी आप रेशनलाइज कर लेंगे, √2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 1 / √2 इंटू √2 / √2। ठीक है, इधर ए बाई बी हो गया,
तो कितना हो जाएगा आपका, रूट टू बाई टू इजिकल टू ए बाई बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसी तरह दो को इधर भेज देंगे तो रूट टू इजिकल टू टू ए बाई बी। तो ये आपका क्या हो गया, मीन्स ये आपका रेशनल नंबर हो गया। इस तरह सिमिलरली लिख देंगे, बट आप लिख सकते हैं कि रूट टू क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल है तो ये भी क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, कंट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। हेंस आपका वन बाई रूट टू क्या हो गया, इज इरेशनल, इरेशनल नंबर हो गया। तो आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।